हेलो दोस्तों, मदेरण चिंटेक यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत। दोस्तों, इस एम्पलीफायर में सिन भाई ने 6 स्पीकर के लिए बनाया है, 2, 4, 2, 4 और 6। एक साथ 6 स्पीकर के लिए इसमें 50+50 क्लास टी में बनाया गया है। इसको देखें तो इसमें ये कस्टमर से या किसी से भी तार उल्टे लगे हैं इसमें बैटरी के, तो हमने ये चेक किया, ये कार्ड तो हमारा बिल्कुल भी डेड है, क्योंकि इसमें ये यहाँ से हीट ले गया है आईसी के नीचे से, और जहाँ तक ये आईसी जली हुई मिलेगी। टीपी 3116 है इसमें आईसी, तो उसको कार्ड को रिमूव करेंगे यहाँ से, और उसके बाद देखेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसमें ढेर सारा इसमें ग्लू वगैरह डाल रखा है वायर वगैरह पे। देखिए इसमें हीट सिंक के नीचे, इसकी हीट सिंक को निकाल के देखते हैं आखिर प्रॉब्लम क्या आई है इसमें। देखिए दोस्तों, ये बुरी तरह आईसी जली हुई है इसमें, ये इसमें डीसी वाले जो तार हैं वो आपके आईसी पे सीधे कनेक्ट कर दिए किसी ने, तो इसमें ये कंडीशन हुई है। टीपी 3116 बिल्कुल जल चुकी है इसमें, देखिए इसको साफ कर दिखा देता हूँ, पिन बिल्कुल ही जल गया है इसका। देखिए इसमें सही नहीं लग रहा होगा, इसमें यहाँ पे बड़ा करके देख जाएगा, देखिए क्या कंडीशन हुई है इसकी, ज़बरदस्त जला है। दोस्तों, कभी भी एम्पलीफायर चलाओ तो देख के, डीसी वाला भी होता है उसमें, कभी देख के लगाएं। एक कार्ड तो इसका ख़त्म ही हो गया, उसका दूसरा कार्ड का कनेक्शन कटा हुआ है, तो उसको चेक कर लेते हैं एक बार, अगर ये सही है तो इसको ही ठीक कर देंगे, नहीं तो इसमें नया कार्ड ही डलेगा। नया कार्ड काफी इसको पॉजिटिव पे ही लगा देंगे, पहले यहाँ से जुड़े हुए किसी ने हटाया है इसको। बहुत गंदा काम हो रहा है इसमें, बाहर जगह जगह कटी हुई है, जुड़ी हुई है, कटी हुई है, जुड़ी हुई है, एक कंफ्यूजन वाली स्थिति बना रखी है इसमें, दिमाग घुमाने वाली। दोस्तों, ये हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया है, इसको तो हमने निकाल ही दिया है, प्लस ये कार्ड भी हमारा काम नहीं कर रहा है, बचा ये कार्ड, इसको चेक करते हैं ये सही है या खराब है। इसको हमने कनेक्ट कर लिया, वायर लगा दी स्पीकर के, और इसमें लगाते हैं बैटरी वाला तार, उसके बाद में देखते हैं। तो उसमें लाइट तो आ गई है, देखते हैं इसका कार्ड काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको ऑडियो क्लिप पे ही चेक कर लेंगे। तो दोस्तों, इसमें एक कार्ड बचा हुआ है, ये कार्ड भी हमने पहले चेक कर लिया है, ये भी काम नहीं कर रहा है, इसके कनेक्टर को खुसका के इसको अलग कर दिया हमने, इसको बनाएंगे हम 3 कार्ड की बजाय 2 कार्ड वाला, मतलब 4 स्पीकर वाला एम्पलीफायर हो जाएगा। अभी इसको और चेक कर लेते हैं, ये अगर ठीक है तो कस्टमर का सस्ते में ही काम हो जाएगा। कनेक्टर चेंज कर देते हैं हम यहाँ से निकाल के, इसको इसमें लगा देंगे,
वाले कार्ड में, और उसकी सप्लाई भी देख लेते हैं। इस पे वैसे अलग आ रही है सप्लाई, तो पहले चेक कर ली हमने। ये इसका नेगेटिव है यहाँ पे, और ये पॉजिटिव है, तो सप्लाई तो इसमें आ रही है प्रॉपर। ये इन्वर्टर पर लगा रखा है तो 13 वोल्ट इसलिए बता रहा है, हमारा चार्जिंग चल रही है ना इस वजह से। उसमें सप्लाई तो है लेकिन कार्ड वर्क नहीं कर रहा है। इसमें ये कार्ड बचा हुआ है दोस्तों, और इसमें अगर कस्टमर चाहेगा तो ये चेंज कर देंगे, नहीं हम इसको ही कंप्लीट कर देंगे। इसमें पहले किसी ने छेड़छाड़ करके इसको बंद कर दिया है, और इसका ये ऑडियो इनपुट है जो बीटी से आता है, इसको अपन चालू करके देख लेते हैं। Bluetooth device is 3D panel. उसमें एक ही कार्ड चालू है, ये कार्ड तो इसमें डैमेज है बिल्कुल, इसमें तो आईसी जली हुई है। तो दोस्तों क्यों होता है कार्ड खराब? इसमें आप स्पीकर के तार अगर आपस में टच भी कर दोगे तो इसमें आईसी ख़राब नहीं होती है, लेकिन किसी किसी भाई को क्या है, ये कनेक्टर जब ख़राब हो जाता है तो ये वायर कनेक्टर को काट देते हैं। उसके बाद में ये कनेक्टर आपका, जिस तरह से ये कनेक्टर लगे हुए हैं इसमें देखिए, ये वाले और ये भी इसी में लगा हुआ था इस तरह से, तो इसमें क्या है, आपने किसी अनजान ऑपरेटर या ड्राइवर को दे दिया इसको, और उसने वायर के साथ में छेड़छाड़ की, उसने काला लगाया या कुछ भी किया। अब देखिए इसमें कमी कहाँ है, इसमें दोनों नेगेटिव पॉजिटिव एक ही कलर के लगे हुए हैं सबसे फर्स्ट में, तो सबसे मेन प्रॉब्लम तो यहीं पे है। इसके लिए तो चलो ये यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, ब्रिज लगा हुआ है, ब्रिज डायोड, जिससे इससे अगर नेगेटिव पॉजिटिव उल्टे लग जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका सेट ऑपरेट नहीं होगा बस। बाकी अलावा इसमें ये कनेक्टर को काट देते हैं, ये मेन प्रॉब्लम आती है तब, अगर गलती से भी नेगेटिव वाला तार लगा रह गया और पॉजिटिव वाला इसमें लग गया स्पीकर वाले में, तो वो डायरेक्ट आईसी पे करंट जाता है, जिसकी वजह से आईसी एक सेकंड भी नहीं लगती है, एक सेकंड में ही आईसी जल जाती है जिस तरह से जल गए। तो इसलिए ये देख के कनेक्शन को जोड़ें, अब ये खाली पीली में नुकसान हो जाता है, और ये काफी तगड़ा नुकसान होता है कभी कभी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, जैसे इसको लगाएंगे अपन तो ये देखिए इसका शॉर्ट है, इसको पहले ही लगा चुका है कस्टमर, इसमें वाईसी ना बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होगा, इसमें हम उल्टे लगा रहे हैं अब स्पीकर को के तार को बैटरी में वाले तारों में लगा रहे हैं, बस यही कारण होता है कि इसी की वजह से ज़्यादातर ये क्लास डी वाला कार्ड ख़राब होता है, नहीं तो इसमें कार्ड में कोई भी चांस नहीं है ख़राब होने का। स्पीकर के तार भी आपस में मिल जाएंगे तो इसमें आवाज़ बंद हो जाएगी, प्रोटेक्शन में चला जाता है कार्ड। इसको हमने चालू कर दिया है, इसी कार्ड को हमने कंप्लीट कर दिया है, और ये दूसरा कार्ड है ये चेंज और होगा, इसमें दोनों कार्ड कंप्लीट हो जाएंगे। तो एक बार इसकी आवाज़ चेक कर लेते हैं, वीडियो में बने रहें लास्ट तक। दोस्तों इसमें कार्ड हमने इंस्टॉल कर दिया है नए वाला, अब ये तीन कार्ड हो गए कंप्लीट, इसमें दो कार्ड चालू हैं और एक आपका ये वाला बंद ही है, अगर दोनों कार्ड सीरीज में लगे हुए थे, सॉरी पैरेलल में, ये दोनों ही ख़राब हुए हैं क्योंकि दोनों का कनेक्टर कटा हुआ था, ये इसको हमने अलग कर दिया है। अब इसमें चार स्पीकर एक साथ चल जाएंगे, तो इसमें दोनों में कनेक्टर भी है, और इसको एक बार चेक कर लेते हैं आवाज़।
काफी शानदार आवाज आती है इसमें, देखिए चालू हो गया। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें प्लीज, तो वीडियो पे लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।